वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के उन प्रश्नों को जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो ये प्रश्न पत्र होगा ना सिर्फ हिंदी साहित्य या हिंदी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, अपितु यह आपके LT PGT इसके अलावा आपके फॉरेस्ट गार्ड हो गया, HP का पुलिस हो गया, उसमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आत्मनिर्भर में समास है, तो बताना है कि जो आत्मनिर्भर है इसमें कौन सा समास होगा। तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पश्चात है दांत का पर्यायवाची क्या है, दांत का पर्यायवाची होगा विकल्प बी द्विज, द्विज दांत का पर्यायवाची होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा में प्रत्यय है, तो जो बुढ़ापा है इसमें प्रत्यय होगा विकल्प डी आपा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क होता है। प्रत्यय उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए बुढ़ापा को लेते हैं, बुढ़ापा में जो बू है ये होगा उपसर्ग और आपा ये होता है प्रत्यय। इसको भी याद रखना है, कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क होता है। आगे है 65 जोंक होकर लिपटना, जो ये मुहावरा है इसका अर्थ हमें बताना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। इस मुहावरे का अर्थ होगा किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 से लेकर 82 तक शुद्ध शब्दों का चयन करना है, तो यहाँ पर जो 78 का शुद्ध शब्द होगा इसमें पूछा गया है कि जो करुणापूर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जो करुणापूर्ण लिखा जाता है विकल्प सी के अनुसार, सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला है 79, इसमें पूछा गया है शक्तिहीन किस प्रकार से लिखा जाता है, तो शक्तिहीन लिखा जाता है विकल्प ए के अनुसार। आगे है 80, इसमें पूछा गया है देशरत्न किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है विकल्प डी के अनुसार। आगे है 81, इसमें पूछा गया है श्रमजीवी किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है विकल्प ए के अनुसार। आगे है 82, इसमें पूछा गया है निर्विघ्न किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये होगा विकल्प सी, इस प्रकार से लिखा जाता है निर्विघ्न। आगे है 83 से लेकर 87 तक सही अर्थ का चुनाव करना है, यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं अंग्रेजी के, तो उसको हमने हिंदी में रूपांतरित करना है। तो जो ये वाला पोर्शन, ये तो LT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको ये प्रश्न पत्र तो देखना ही है। तो ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 83 में पूछा गया है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, क्या है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इसके लिए क्या शब्द होगा उपयुक्त, ये होगा पीठाधीश, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है लोकल सेस 84 में, इसका हिंदी रूपांतरित किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा स्थानीय कर। अगला है गैजेट, इसका जो 85 में इसका हिंदी रूपांतरण बताना है क्या होगा, तो ये हो जाएगा राजपत्र। आगे है 86, इसमें प्रिवेंटिव, इसका बताना है हिंदी रूपांतरित क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निवारक। आगे है 87, इनएडिक्वेट, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो ये होगा विकल्प डी अपर्याप्त। इसके पश्चात है 88, इसमें पूछा गया है रेखांकित में समास क्या होगा, जो रेखांकित शब्द है इसमें जो समास होगा कौन सा होगा, तो ये होगा विकल्प ए तत्पुरुष समास। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त फॉरेस्ट गार्ड, HP, LT, TET या कमीशन या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हों, उनको ये अवश्य वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी, इसका आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो अत्यधिक होगा इसका संधि विच्छेद रहेगा यहाँ पर विकल्प सी, अति जमा अधिक। अगला है 90, पलंग का तत्सम क्या होगा, तो जो पलंग होता है इसका हमें तत्सम शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा विकल्प ए पयंक, पयंक या पर्यंक भी बोल सकते हैं, कई जगह पर्यंक दिया होता है और कई जगह पयंक दिया गया होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से तथ्य और बता देता हूँ, कई बार आपसे पूछा जाता है कि तत्सम का क्या अर्थ होता है, तत्सम का अर्थ होता है
उसी प्रकार जैसे कि जो भाषा, जैसे संस्कृत भाषा से कोई शब्द निकला होगा उसको बोलते हैं तत्सम। उदाहरण के लिए अग्नि हो, अग्नि को, अग्नि का संस्कृत से हिंदी में अगर रूपांतरण हो अग्नि ही, तो उसको कहते हैं तत्सम। अगर अग्नि को आ कहा जाए तो वो तो संस्कृत का तद्भव रूप होगा, तद्भव होगा उसके पश्चात, ठीक है ना। तत्सम होता है उसी प्रकार, तद्भव होता है उसके बाद का रूप। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, निम्न में कौन सा देशी शब्द है, इसलिए आपको एक बार इन टॉपिक्स को अवश्य कवर करना चाहिए। देशज शब्द, विदेशज शब्द और प्रत्यय, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, इनको आपको अवश्य पढ़ना है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो प्रश्न है 92, चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होगा विकल्प ए चंचल ही। कई जगह इसका उत्तर सी भी बता देते हैं चंचला, तो दोस्तों चंचला नहीं होगा, चंचल ही होगा। उदाहरण के लिए आप लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि सुरीता बहुत ही चंचल लड़की है, तो यहाँ पर तो चंचल पूछा जाएगा और चंचल ही आएगा अभी इसमें। पर अगर आप देखेंगे कई जगह गलत बताया होता उत्तर के चंचला, तो ये तो नहीं ना होगा क्या, जो सुरीता बहुत ही चंचला लड़की है, इसलिए सी नहीं होगा, इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो एक प्रश्न हमारे से छूट गया था, ये था 91, इसमें पूछा गया देशज शब्द है, तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो देशज शब्द होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी चुगली, चुगली देशज शब्द होगा। बाकी कपास, कमीज और गमला, ये तीनों ही विदेशी शब्द होंगे। आगे है 93, गिरी का बहुवचन क्या होगा। तो जो गिरी शब्द है इसका बहुवचन हो जाता है गिरी ही, गिरी ही इसका बहुवचन होगा। अगला है 94, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा विकल्प सी मिठास। एक बार दोस्तों मैं प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहा था, तो वहां पर मुझे ये प्रश्न पूछा गया था, पुलिस का प्रश्न पत्र था वो, उसमें पूछा था कि जो मीठा का, शायद मीठा ही था, उसका भाववाचक संज्ञा क्या होनी थी, तो ये होगा देखो मिठास। तो देख सकते हैं किस प्रकार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको सभी प्रश्न पत्र ध्यान से देखने हैं, वहाँ से आपके बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, साहस का विशेषण क्या होगा। तो जो साहस का विशेषण हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए साहसी। अगला क्वेश्चन है 96, इसमें पूछा गया है उल्लू का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उल्लू का पर्यायवाची शब्द हो जाता है पेचक, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पेचक उल्लू का पर्यायवाची हो जाता है। कई बार ये जो कपोत का पूछा जाता है, कपोत किसका पर्यायवाची है, तो ये कबूतर का हो जाएगा। कंचक किसका है, सोने का, और शुक्र किसका है, तो ये शुक्र ग्रह है, और जो असुरों के आचार्य थे शुक्र, उनका पर्यायवाची इसे माना जाता है शुक्र को। आगे है विलाप में प्रत्यय है, तो देखिए फिर से ये प्रत्यय और उपसर्ग वाले प्रश्न पूछा जा रहा है, जो विलाप में प्रत्यय होगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी आप, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। जो जिस दोस्त ने मुझे ये प्रश्न पत्र दिया था उसने गलती से देखिए वी कर दिया था, उसने इसे उपसर्ग समझ के इसका उत्तर वी लगा दिया। जो आगे आता है तो उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाती हुई।